खबर रीवा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिल्ली मोहनगढ़ कांटी पहुंच मार्ग में सेंगर नदी के जूड़ा नाले में 258.92 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बहुप्रतीक्षित पुल के बन जाने से आवागमन सुगम होगा तथा वर्षा काल में लोगों को नदी पार करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में विकास के सर्वाधिक कार्य कराए जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाकर गांवों व कस्बों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, साथ ही पुल पुलिया का निर्माण प्राथमिकता से कराया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर देवतालाब क्षेत्र में सड़कों व पुल पुलियों के निर्माण की मांग उनके द्वारा की गई थी, जिसे श्री गडकरी ने प्राथमिकता से स्वीकृत दी है। श्री गौतम ने क्षेत्र के विकास में सड़कों व पुल पुलियों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए श्री गडकरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देवतालाब क्षेत्र को प्रदेश का सर्वविकसित विधानसभा क्षेत्र बनाया जा रहा है। विकासोन्मुखी कार्यों के साथ साथ हितग्राही मूलक कार्य भी प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने विकास के कार्यों में सभी से सहयोगी बनने का आह्वान किया है। इससे पूर्व कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग PS परिहार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि सेतु निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण किया जाएगा। स्वागत उद्बोधन उदय सिंह मंटू ने दिया तथा संचालन मोहनलाल तिवारी द्वारा किया गया। संविदाकार प्रमोद त्रिपाठी ने आभार प्रदर्शित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के धर्मपत्नी ललिता गौतम, सरपंच सत्यरूपा पांडे, CEO रायपुर करछुलियान प्रदीप दुबे, सपना सिंह, BD शर्मा, पुष्पेन गौतम, सुनील अग्निहोत्री, लालजी तिवारी, सुरेंद्र सिंह, सुनील सिंह, मनोज उर्मलिया, प्रमोद तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।